हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। एंड मैं आज आपको कराने वाली हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज, एंड टॉपिक इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। तो मैं आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताने वाली हूँ जो 1991 में आई थी। इसमें क्या क्या हमारी इकोनॉमी में चेंजेस आए थे वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स, NEP के फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट फीचर इज लाइसेंस वॉज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन 6 इंडस्ट्रीज। लाइसेंस या कोटा सिस्टम जो है वो हटा दिया गया NEP में, ये हटा दिया गया सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज को छोड़ के। मतलब 6 इंडस्ट्रीज सिर्फ ऐसे थे जिसमें जिनको रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत थी, अदरवाइज बाकी सब में से लाइसेंस जो है, कोटा जो है वो हटा दिया गया। सेकेंड पॉइंट, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, इसमें जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे उनको क्या किया गया, डिस इन्वेस्ट कर दिया गया और उनको प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस बना दिया गया। मे बी एसेट्स सेल किए या फिर जो उनको शेयर्स ट्रांसफ़र करे, जो भी उनका प्रोसीजर था, बट जो है क्या किया गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को डिस इन्वेस्ट करके जो है पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन इज ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 4 वर ओपन्ड फॉर प्राइवेट सेक्टर। सारी इंडस्ट्रीज, सिर्फ 4 ऐसी इंडस्ट्री थी जिनको छोड़ के बाकी जो इंडस्ट्रीज है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दी गई, कि जो प्राइवेट लोग हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो भी जो है इंडस्ट्रीज को रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ 4 थी ऐसी जिसमें गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल रखा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उनको रन कर सकती है। जैसे रेलवेज है, पूरा कंट्रोल सब कुछ गवर्नमेंट के हैंड्स में है। ऐसी 4 इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ गवर्नमेंट के हैंड्स में है, बाकी सब जो है प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दी गई प्राइवेट सेक्टर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज NRI एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स वो परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज। जो आपके NRI और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको परमिशन दे दी गई कि आप इंडियन कंपनीज में, आप इंडिया में आओ, अपनी करेंसी लाओ और पैसा अपना इन्वेस्ट करो इंडिया में आकर, उनको ये परमिशन दे दी गई, ठीक है। और क्या किया गया, फिफ्थ पॉइंट इज इंडियन कंपनीज वर परमिटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स विद फॉरेन कंपनीज। इंडियन कंपनीज को भी परमिशन दी गई कि आप टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स कर सकते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फॉरेन कंपनीज के साथ। यानी इंडियन जैसे फॉरेन इन्वेस्टर्स को कहा गया था कि आप हमारे देश में आके पैसा इन्वेस्ट करें, ऐसे इंडियन कंपनीज को भी परमिशन दी गई कि आप फॉरेन कंपनीज से, फॉरेन कंट्रीज से टेक्नोलॉजी इधर ला सकते हैं इंडिया में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड सेटअप किया गया। किस लिए सेटअप किया गया, ताकि जो है हम प्रमोट कर सके ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ये प्रमोट कर सके कि हमारे देश में आके, इंडिया में आके आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, हमारी अपनी देशी करेंसी हमारे इंडिया में लाओ, हमारी कंट्री में लेकर आओ। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट इज वेरियस बेनिफिट्स वर ऑफर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं उनको भी बहुत सारे जो है बेनिफिट्स दिए गए, ताकि जो है वो भी आगे बढ़ सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ सके, ठीक है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अब मैं आपका टॉपिक कराने वाली हूँ NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसके एलिमेंट्स कराने वाली हूँ, कॉम्पोनेंट्स। तो इसमें क्या है मेन, LPG मॉडल इसमें यूज किया गया है। L इज लिबरलाइजेशन, P इज प्राइवेटाइजेशन, G इज ग्लोबलाइजेशन। तो आपका लिबरलाइजेशन में क्या किया गया, लिबरलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, मतलब फ्रीडम दे देना, खुली छूट दे देना एक तरह से, ठीक है। तो इसमें किस किस चीजों में छूट दी गई, एंड ऑफ लाइसेंस कोटा एक्सेप्ट इन फ्यू इंडस्ट्रीज। ये मैंने आपको फीचर में भी पॉइंट बताया था कि लाइसेंस कोटा वगैरह को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया सिर्फ कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के। 6 इंडस्ट्रीज थी ऐसी जिनको छोड़कर लाइसेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि आपको अगर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इजीली यू कैन स्टार्ट, ठीक है, बहुत कम फॉर्मेलिटीज के साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग प्राइजेस, एक लिमिट रख दी प्राइस की और बोला कि इस प्राइस तक आप कोई भी जो है आप प्राइस, इस अमाउंट तक कोई भी प्राइस आप फिक्स कर सकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम दे दी गई। लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट,
आप जब मर्जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिबरलाइजेशन फ्रीडम दे दी गई, इंपोर्ट भी करो और एक्सपोर्ट भी करो, ठीक है। इंपोर्ट मतलब होता है बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज अपनी कंट्री में आना, एंड एक्सपोर्ट मतलब है कि अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने जितने प्रोड्यूस करे हैं उन्हें बाहर दूसरी कंट्रीज में भेजना। नो रिस्ट्रिक्शन इन एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ बिजनेस। अपने बिजनेस को चाहे आप एक्सपेंड करें, उसे बढ़ाएं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट करें, उसे कम करें या ख़त्म करें, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई पाबंदी नहीं थी। आप अपनी मर्जी से बिजनेस स्टार्ट करो, उसे एक्सपेंड करो, उसे कॉन्ट्रैक्ट करो, आपकी मर्जी, ठीक है। इन सब चीज़ों में काफ़ी छूट दे दी गई थी। और क्या किया गया, लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया गया, डिसइन्वेस्टमेंट। मैंने अभी आपको फीचर्स में भी बताया, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या किया गया, ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। आपकी जितनी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी उनको किस में ट्रांसफर कर दिया गया, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। बट इसके लिए एक कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी, जैसे अगर आपके जब डिसइन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट करने पर अगर 51% शेयर्स जो हैं किसी इंडस्ट्री के, किसी फर्म ऑर्गेनाइजेशन के 51% से ज़्यादा शेयर प्राइवेट हैंड्स में हैं, तो क्या किया जाएगा, उसकी जो ऑनरशिप है और उसका जो मैनेजमेंट है, सारा कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या किया था, जैसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट में चेंज कर दिया था, और सेकंड में क्या था, अगर जो डिसइन्वेस्टमेंट हम कर रहे थे उससे अगर उसमें अगर 51% से ज़्यादा शेयर्स अगर आपके जो हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के पास हैं, तो उनकी ऑनरशिप और मैनेजमेंट किसके हाथ में दे दी जाएगी, प्राइवेट हैंड्स में। मतलब बेसिकली इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है वो इंक्रीज किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। जितनी भी इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड है उनको इंटीग्रेशन करना, इकट्ठा करना, एक साथ करना। मतलब इसका मेन पर्पज़ क्या था कि हम ग्लोबल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपना बिजनेस कर पाए, ठीक है। इसके लिए क्या किया गया था, रिमूव्ड मैनी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स हमारी कंट्री में जो आए, इम्पोर्ट हो जाएं, इसके लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे ताकि ईजिली जो है हम अपना बिजनेस कर पाए। एक्सपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अबॉलिश कर दी गई, हटा दी गई। एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी जब हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर किसी कंट्री में भेजते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है, दिस इज एक्सपोर्ट ड्यूटी, उसको हटा दिया गया ताकि इजिली आप एक्सपोर्ट करो दूसरी कंट्रीज में, अपना जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो भेजो। रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया गया। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है, जब दूसरी किसी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज अपने खुद के कंट्री में आते हैं, जैसे इंडिया में आए, तो उसमें जो टैक्स लगेगा, दिस इज इम्पोर्ट ड्यूटी, उसको भी काफ़ी कम कर दिया गया ताकि क्या हो, इम्पोर्ट जो है हम अपना वहाँ से जो है सामान जो है गुड्स एंड सर्विसेज अपनी कंट्री में ला सकें अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो। तो ये जितने भी पॉइंट्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये किसके पार्ट हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के। ये जितने भी चेंजेस आए इकोनॉमी में, ये NEP 1991 में आए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।